तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप आए तो कम से कम यहाँ गंदगी ना फैला, क्योंकि पहाड़ों को साफ रखना भी हमारा काम है, क्योंकि अगर हम भी गंदगी फैलाएंगे तो अगली बार भी हमको गंदगी देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, केशव जी वहाँ खड़े हैं पोज मारते हुए। राजगौरव सर कैसा लग रहा है आपको? चिंतामणि साहब जी सर चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रास्ता और कवर किया जाए। ध्यान दीजिए नहीं तो फिर नीचे ही जाएंगे। कृपया उत्तराखंड की बस पकड़िए, यहाँ पे बस मिलानी चाहिए थी यार, क्यों चिंतामणि भाई? गोविंद सर चले राजीव सर, इट इज नॉट गोइंग सर। अरे गोइंग गोइंग सर, वैसे भी नहीं चलेंगे ना। रोड इज आल्सो गोइंग सर। रोड तो भैया पूछिए मत, रोड इज गोइंग सर डाउनवर्ड। ये तो क्या कहते हैं हाईवे फेल की, इसमें तो यार फेरारी चलानी चाहिए। तो अभी हम लोग भरद्वाज के रास्ते पे हैं, इस हम लोग कोटी से निकले हैं इसमें, और हमारे सारे दोस्त यहाँ पे हैं, राजगौरव चिंतामणि गोविंद और पीछे केशव भाई हैं। हालत टाइट हो चुकी है लेकिन मजा पूरा आ रहा है एकदम। हालत टाइट हो गई, गलत नहीं, हालत टाइट हो चुकी है। गोविंद भाई साहब कह रहे हैं झूठ क्यों बोले हो, बहुत स्टैमिना है आदमी के अंदर, बचा के रखा है, खत्म नहीं किया इसने, इसको नोट करिएगा और इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हाँ हाँ, अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे इसने बचा के रखा है, पूरा आपको ट्यूटोरियल दिया जाएगा और ये बताएंगे अपने मुंह से कि गोविंद भाई राजगौरव बकायदा जीन्स वीन्स पहन के आए हैं, पहन को 15-20 जोड़ी कपड़ा आए थे, पर जैसे जैसे गर्मी लग रही है वैसे वैसे कपड़े की संख्या कम हो रही है। कहा राजगौरव भाई, समय सुबह के 6:50 हो रहे हैं और हम लोग आधा रास्ता कवर कर चुके हैं, और अभी आप देख रहे हैं पसीना कितना ज्यादा आ रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो अच्छी खासी गर्मी भी है। तो अभी जो पीछे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लैंडस्लाइड पूरा हुआ है, और आप जब डूंगा आएंगे, डूंगा उधर साइड है, तो जब डूंगा आएंगे तो आपको वहां से जो लैंडस्लाइड दिखती है वो यही लैंडस्लाइड है, और आधी से ज्यादा बालू तो आपको यही दिख रही है। हमारे दोस्त लोग हैं, इनको यहाँ जाने का मन है क्या भाई साहब? जाएंगे कि नहीं गोविंद जी? जाएंगे बिल्कुल, चलेंगे चलेंगे। मंदिर वही बना है, मंदिर वही बनाएंगे, इसी बनाएंगे, राम मंदिर भी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, राम मंदिर है, राम मंदिर, हाँ बलराम के बाद राम मंदिर। जैसे कि आप देखा था यहाँ खेती होत रही पूरा है ना, देखा था अब केहू कारण से खेती वेती बंद हुई गई, वीड आ गया, खरपतवार जमिया है, और वहां देखा कूड़ा वूड़ा फेंकिया है। देखा भाई पहाड़ का घूमे कहा घूमा नहीं घूमे का जिन घूमा, पर यहाँ गंदगी जिन फैलावा करा, काहे कि पहाड़ किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, घूमा फिरा मजा मस्ती जोन करेगा करे, समझा कि नहीं? और एक चीज फिक्स है कि जो यहाँ के लोकल है वो गंदगी नहीं फैलावत है, हम जैसे जो बाहर से आवे है वह गंदगी फैलावत है यहाँ, तो ये बात का ध्यान रखे आप सब, बाकी घूमे टहले मस्त रहे। आप इस नजारों को देखिए, ओके बाद ये सब देखा कूड़ा करकट ही पड़िया है देखा ही, और यहाँ छोड़े यहाँ कौन जगह लिमका स्प्राइट बिस्लेरी पूरा पहाड़ गंधवा यहाँ सब देखा यार। तो अभी पहाड़ पे आप देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड यहाँ हो रही है, और ये देखिए पूरा नया पहाड़ है, और कितनी लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रही है इसको नजदीक से भी दिखाते हैं, ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे क्योंकि जिस पहाड़ पे हम लोग चल रहे हैं वो भी लैंडस्लाइड वाला ही पहाड़ है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उधर से देखिए लैंडस्लाइड हो रही है, आपको दिखाते हैं ये यहाँ शुरू हो, और आप आवाज भी सुन सकते हैं, आवाज अच्छी खासी आ रही है, अभी पता नहीं कि इस पे माइक्रोफोन पे आवाज आ रही है कि नहीं, लेकिन बाहर एकदम क्लियर आवाज सुनाई पड़ रही है इसकी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे वेजिटेशन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वेजिटेशन नहीं हुआ तो ये पहाड़ टिकेगा नहीं, और धीमे धीमे करके कुछ सालों में पूरा पहाड़ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है उससे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ साल में ये पहाड़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इधर के पहाड़ भी शुरू हो रहे हैं जिसपे हम लोग हैं, ये जो चल रहे हैं इसको ज्यादा नजदीक इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अभी देख रहे हैं कि वहां पे मंदिर है, और हम लोग करीब आधा रास्ता कवर कर गए हैं, बस थोड़ा सा दूर और बाकी है, बाकी रास्ता आप देख सकते हैं रास्ता कुछ ऐसा है, और अभी तक जो रास्ता मिला है वो सीधे चढ़ाई थी लेकिन अभी थोड़ा सही मिल गया है, तो बढ़िया यहाँ पे।
और क्या, बस अब आगे देखा जाए कैसे चल। सही रास्ता बोल दिए उसके बाद एक खराब रास्ता शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखा देखा पत्थर जाए नहीं सारे का भाई भाई भाई, भाई 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 देख के, नहीं तो पत्थर के बीच में दब जा जान लिया सर। 50% से ज़्यादा हम लोग अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट कर लिए हैं भद्रराज टेम्पल के लिए, और बड़ा सही लग रहा है क्योंकि जब हम लोग एक पहाड़ जो है अपना पूरा चढ़ चुके हैं और ये दूसरे पहाड़ की तरफ हम लोग चढ़ रहे हैं, और आपको रास्ता दिखाएंगे। देखिए रास्ता कैसा है, ऐसा पतला पतला रास्ता जाता है ऊपर तक, वो सब हमारे दोस्त हैं। बस थोड़ा सा और बाकी है, करीब एक घंटे का रास्ता है, और एक घंटे में हम लोग भद्रराज टेम्पल पहुँचेंगे। फिर वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे मंदिर कैसा है और क्या खूबसूरती है मंदिर की, सब कुछ दिखाएंगे। रास्ता खतरनाक है, चढ़ने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जूते अच्छे होने चाहिए, जूते में ग्रिप होनी चाहिए, तभी बढ़िया सफ़र आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। तो जब भी आप कोटी से ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे आएंगे तो दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, खाने के लिए लाइट सामान रखिएगा, जैसे हो गया केला हो गया, और थोड़ा चिप्स विप्स रख लीजिएगा जो कि आपको थोड़ी बहुत एनर्जी देता रहे। पानी अगर गर्मी में आ रहा है तो पानी ज़्यादा लीजिएगा, ठंडी में आ रहा है तो थोड़ा बहुत पानी से काम चल जाएगा आपका, लेकिन पूरा इंतजाम करके आइएगा। जूते बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि जूते सही नहीं रहेंगे तो आपको इस तरह के रास्ते में बड़ी दिक्कत होगी। तो अब ट्रैक करते करते हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं, और करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता बचा है यहाँ से, और अभी तक जितना भी सफ़र रहा है अच्छा रहा है, लेकिन अब जो सफ़र शुरू हुआ है वो काफ़ी थका देने वाला है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग थक चुके हैं, करीब 3.5 घंटे से हम लोग चल रहे हैं, और अभी आधे घंटे का या फिर 45 मिनट का रास्ता करीब बाकी है, उसको भी कवर करेंगे। अब तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, आपको दिखाते हैं वो मंदिर कहाँ पे है। वो मंदिर एकदम आग से एकदम सामने एकदम साफ दिख रहा है, रास्ता भी क्लियर हो चुका है कि अब रास्ता कैसे है। अब जो रास्ता है वो सीमेंटेड रास्ता है, तो हम लोग को उससे चढ़ के जाना है। फिलहाल जो रास्ता अभी तक हम लोग चढ़े हैं बढ़िया रहा है, कहीं कहीं ऐसा रहा है कि हम लोग की हालत ज़्यादा ख़राब हुई है, और बाकी तो रास्ता बढ़िया है। हमारे दोस्त लोग यहाँ बैठे हैं जिसके आप देख रहे हैं, केशव हैं और से चिंतामणि लोग आगे हैं, तो चलते हैं और मज़ा लेते हैं आगे का भी, जर्नी का मज़ा लेते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन में पहुँचने का उतना मज़ा नहीं है जितना रास्ते का मज़ा है। तो रास्ते का मज़ा लेते चलिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और ऐसे बने रहिए, आपको आगे भी दिखाते हैं। वहाँ जो देख रहे हैं वो मंदिर है, और रास्ता देखिए ये है, इसका रास्ता ये गया है, जो रास्ता दिख रहा है ये रास्ता इसका जा रहा है, और ये रास्ता होते हुए मंदिर जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ से होते हुए घूमते वहाँ तक हम लोग जाएंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन हुए पहुँचते हैं, फिर आपको मंदिर भी दिखाएंगे, तो वीडियो ऐसे ही बने। तो अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं उसके बारे में हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट जो कि है हमारे चिंतामणि सर, ये बताएंगे। सर ये कौन सा पेड़ है? अभी देख रहे हैं हम रोडोडेंड्रन। जी जी, तो यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं बुरांस, नेपाली में बोलते हैं गुरांस। जी जी, तो ये रोडोडेंड्रन जो है उत्तराखंड का स्टेट ट्री है, और जो नेपाल का जो है नेशनल फ्लावर है, इसलिए केशव जी ने देख लिया और जा रहे तोड़ने के लिए, बोलते अभी इसी को खाते खाते चल रहे आगे। तो केशव जी वहाँ पे तोड़ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, और सबसे बढ़िया चीज है कि इसको आप खा सकते हैं, तो देखिए कितना लेके आ रहे हैं, खाते खाते चलेंगे, और मंदिर वो है, पेड़ ये है, खाते हुए चलते हैं, सफर का मजा लेते हैं। आइए केशव सर, इधर से मिलेंगे। कैसा है आपका पैर? सही है एकदम बढ़िया। इट्स पेनिंग सर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बाकी है, कवर करते हैं। ये हमारे कृषि वन के एक्सपर्ट ये भी हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं, मैक्सिमम 15 मिनट का रास्ता और है, वो रहा मंदिर वहाँ पे, और जैसे बताया था कि अब जो चढ़ाई है ये करीब 200 मीटर चढ़ाई है, और ये बड़ी खतरनाक चढ़ाई है। यहाँ पे ये सब आ रहे दोस्त, आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, ये 200 मीटर चढ़ाई बड़ी खतरनाक है।
हथियार आए ना। अरे भाई उस गाड़ी में ही सिर्फ दम है, हम लोग के दम पिछले कुछ घंटों में जा चुकी है। दे दो, आपको लपेट के ले जाएगा फिर। और ये कितना दम है गाड़ी में, इतनी दम है। वो देखिए हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। 100 मीटर के करीब रास्ता यहाँ से और बाकी है, और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। पिछले बार जब मैं आया था तो मसूरी के रास्ते से आया था, और जब मसूरी के रास्ते से आया था तो इतनी दिक्कत नहीं थी, पर आज 6:30 बजे करीब 5:30 बजे हम लोग रूम से निकले थे। उसके बाद करीब साढ़े छः बजे हम लोग चाय शुरू किए थे, और अभी भी हम लोग करीब 15 से 18 मिनट करीब लगेगा, 15 से 18 मिनट की दूरी पे भी हम लोग हैं। और ये जो चढ़ाई है, अब ये थोड़ी दूर की चढ़ाई बड़ी ख़तरनाक है, उसको भी चढ़ते हैं। और जब यहाँ पे इतनी दूर आए हैं तो इतना कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, और कष्ट क्या ही मज़ा एक तरीका है, क्योंकि बताया ना सफ़र का ही मज़ा होता है, तो सफ़र का मज़ा लेते चलिए मंजिल मिले। जब मोटरसाइकिल लाए थे तो उसमें एक दिक्कत हो गई थी, जो 100 cc की है वो यहाँ तक चढ़ ही नहीं पाई, उसको फिर हम लोग वहीं पर रोक दिए थे। रोकने के बाद फिर यहाँ से हम लोग पैदल चले थे, और पैदल चलना ज़्यादा सही है क्योंकि गाड़ी में इतनी पावर नहीं होती है 100 cc या फिर 150 cc में कुछ चढ़ाए। हाँ 150 cc के ऊपर गाड़ी हो तो आराम से चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी सिंगल आदमी पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले नीचे से ये गाड़ी और स्कॉर्पियो इसके ऊपर सीधे चढ़ा के गई थी, तो बस पावर तो गाड़ी में होती है इसलिए चढ़ जाती है। और बाकी आपको बताया कि आप पानी की अगर कंडीशन की बात करते हैं तो पानी बहुत ही मेहनत से मिलता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ टंकी रखी हुई है। और नीचे भी हम लोग जहाँ चाय वाय पिए थे उसने भी कहा था कि पानी वेस्ट मत करिएगा, हाथ धुलने में टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर लीजिए। और ये देखिए फोटोग्राफी चल रही है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की फोटोकॉपी एग्रोनॉमी वाले ले रहे हैं। और देखिए एक और गाड़ी आ रही, और इन सब गाड़ियों को चढ़ने में दिक्कत नहीं होती। तो चलिए आप देख रहे हैं कि इस समय हम लोग यहाँ मंदिर पहुंच चुके हैं, और कोटी से हम लोग करीब चले थे 5:30 बजे, और कोटी 5:30 बजे चले थे, अभी हम लोग करीब बज रहा है 10:30 बजे हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। और अभी जो देख रहे हैं मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा अभी आपको दिखाएंगे यहाँ से, तो काफी बढ़िया जर्नी रही। कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे ना करीब, हम लोग को 4 घंटे लगे हैं, 4:30 घंटे करीब लगे हैं, और 4:30 घंटे में हम लोग पहुंचे। बाकी आपको और भी दिखाएंगे, अब आधे घंटे यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना समय लगता है उतरने में। वैसे अगर उतरने के बारे में बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में लोग नीचे उतर जाएंगे, 2-3 घंटे में मैक्सिमम, क्योंकि उतरने में उतना समय नहीं लगेगा। बाकी देखते हैं, इसे बने रही वीडियो में। Oh, 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 oh
उसको खदेड़ दिया गया है और जग्गा रेड्डी को ढूंढा जा रहा है। क्या चिंतामणि भैया, मिल जाएंगे जग्गा रेड्डी? आजे मिली है, कोंडा रेड्डी का भाई है, जान लो। आजे मिली है, वहीं पे मिली जाएगी। मिला तो मारी, नहीं तो यहाँ फूल है। तो आधा रास्ता हम लोग पार कर लिए हैं, अब हम लोग नीचे पहुंचने वाले हैं और ये वही पहाड़ है जहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ पत्थर टूट गिरा। देखिए अब कैसे एयर वेदरिंग जो होती है, जिसमें हवा की वजह से जो कटाव होता है, उसका साफ एग्जांपल अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैसे जैसे जो देखिए अभी ये जो उधर देखिए लिए है ना, ये लैंडस्लाइड अभी जस्ट हुई है, मतलब 15 मिनट भी नहीं हुआ इसको भी, अभी तुरंत हुई है। और देखिए कैसे होते हैं कमजोर पहाड़ होते हैं। और आपको बता दें कि जिस पहाड़ पे हम लोग चल रहे हैं वो भी कमजोर पहाड़ की श्रेणी में आता है, पर अभी हम लोग इसके सेंटर पे चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड इसके भी क्या कहते हैं, तो बस हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, करीब घंटे भर का रास्ता है। और ये भद्रा से हम लोग के साथ आया है, हम लोग के साथ गया। इसके पंजे देखिएगा, अभी लौट रहा, देखिए लेकिन हम लोग जैसे नीचे जाएंगे ये वापस भी आ जाएगा, अभी वापस लौटते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नीचे, हम लोग का सफर यही खत्म होता है, कोटी हम लोग पहुंच चुके हैं। और सफर की बात की जाए तो बहुत मजा आया, रुक रुक के हम लोग ने सफर पूरा किया अपना, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, रेस्ट लेते हुए, जंगल में रेस्ट किया। और रेस्ट के साथ साथ हमको हमने नया फ्रेंड मिला हमारा, उसका हम लोग नाम रखे हैं, कभी रख दिए कुछ भी ऐसे रख देंगे, अभी कुछ सोच ऐसे है नहीं, तो उसका नाम हम भी लोग रखेंगे। हम लोग के साथ वो भद्राज टेम्पल से लेकर नीचे तक आया है और उससे मिलवाएंगे और वीडियो में आप उनको देखेंगे भी। तो आपको ऐसे मंदिर दिखाते हैं सबसे पहले कि मंदिर यहाँ से कैसे दिखता है। वो देखिए वहाँ पे मंदिर दिखाई दे रहा है, वो यहाँ से भले देखने में बहुत नज़दीक लग रहा है लेकिन सच होता है 4.5 घंटे आपको लग जाएंगे, कैसे भी आप चलिए, नॉन स्टॉप चलेंगे तो 3 घंटा, नहीं तो ऐसे आपको 4.5 घंटे आराम आराम से लग जाएंगे। तो अगर आप कभी पैदल नहीं गए हैं, ट्रैकिंग नहीं किए हैं पैदल, तो आप एक बार जरूर जाइएगा अपने ग्रुप के साथ। वो रहा भद्राज का मंदिर और हम लोग इस समय नीचे पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि करीब हम लोग 1500 मीटर की चढ़ाई चढ़े हैं, 1500 मीटर्स की, क्योंकि एवरेज में अगर देखा जाए तो करीब 550 से 600 मीटर पे देहरादून है मीन सी लेवल से, और मीन सी लेवल से ये करीब है 1500 करीब है 2000 है, तो करीब करीब हम लोग 1500 मीटर अरग चढ़े हैं। और बढ़िया जर्नी रही, बढ़िया समय लगा, करीब 8 से 9 घंटे हम लोग को लगे हैं। सुबह 6:30 करीब हम लोग चढ़ना शुरू किए और अभी एग्जैक्ट हो रहे हैं करीब 3:30, ठीक है। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा नीचे और उतरना, थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज़्यादा 100 मीटर नीचे जहाँ हम लोग की मेन गाड़ी खड़ी है, 100 मीटर उतरना है, बाकी हम लोग डिस्टेंस हो जाएगी। तो करीब करीब हाँ लग जाता अच्छा खासा समय, पर मज़ा आई वो देखिए। और हमारा साथी ये पूरे सफर में हम लोग के साथ रहा है, हम लोग के साथ आ रहा है, लेकिन इसको ले नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी सही जगह पहाड़ है, तो ये पहाड़ पे रहे और ये हम लोग के साथ ही रहता है। कचो बेटा, तो बस यही खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो भी दिखाया गया ट्रैकिंग के बारे में, जो भी बताया गया और कैसा यहाँ का सीन था, उसके बारे में जो दिखाया गया, समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो ऐसे मेरे व्लॉग को पसंद करते रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेगा, ताकि जो भी भद्राज टेम्पल ट्रैकिंग करके जाना चाहता है उस वीडियो को देखे और इंजॉय करे, और जाने से पहले वीडियो जरूर देखे। तब तक जय हिंद जय भारत।